नमस्कार, स्टोरी समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। छठि पावन के आज तेसर दिन खरना रहल मुख्य प्रसंग से मिथिलांचल सहित तराई मधेश के बाजार समेत छठि पावन के रौनक बढ़ल विधिवत शुरू भेल। छठि पावन में परिवार एवं संतान के सुख समृद्धि के कामना करत अत्यंत श्रद्धापूर्वक से कैल जाय वाला छठि पावन के तेसर दिन आई साँझ में खरना रहल। साँझ में प्रसाद के रूप में चाउर चीनी आ दूध मिलाकर बनाओल गेल खीर संगे रोटी साग छठ परमेश्वरी के खरना कैल जाए। छठ पावन के चारिम दिन काल खन डूबैत सूर्य के अर्घ दिलाक बाद कैल देव के लिए तैयार कैल गेल पूजा सामग्री घाट में ल जाकर पूजा कैल जाए। संगे पाँचम दिन भिनसर में उगैत सूर्य के अर्घ दिलाक बाद छठ पावन के विधिवत समापन कैल जाए। छठ पावन में बाँस के डाहकी डकरी माटि के कोसिया कुरबार हाथी लगात के सामग्री सब चढ़ाओल जाए। तहिना प्रसाद के रूप में ठकुआ भुसवा केरा खाजा उइक हरदी आदि एवं विविध प्रकार के मिठाई तथा फल फूल सूर्य देवता अर्थात दीनानाथ के चढ़ाओल जाए। अर्घ देनिहार व्रतालु सब 48 घंटा धरि पानी नहीं पीब के उपवास करे। छठ पावन में सूर्य भगवान अर्थात दीनानाथ के अर्घ देवक तैयार कैल जाए वाला परिकार सब अत्यंत नियम निष्ठापूर्वक बनाओल गया से छठ के निष्ठा आ कठोर पावन के रूप में सेहो लेल जात। मिथिला में छठ पावन के बीच भाई बहन के अगाध्य स्नेह आ स्मरण के प्रतीक मानल जाए वाला सामा चकेबा पावन शुरू भेल। कार्तिक शुक्ल पंचमी अर्थात छठ पावन के खरना के दिन सामा चकेबा आजू से शुरू भेल। धमसा सहित मिथिला क्षेत्र में सामा कार्तिक पूर्णिमा धरि खेलल जात। 10 दिन धरि मिथिलांचल के दीदी बहन सब अपन भाई सब के शौर्य वृद्धि तथा दीर्घायु के कामना करैत सामा खेलैत छनि। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन भिनसर मिथिलांचल के दीदी बहन सब समूह में गीत गाबि कऽ गाँव के खेत तथा नदी सब भाई सब के हाथ से माटि खनवा कऽ वह माटि के साइन कऽ विभिन्न प्रकारक कलात्मक सामा चकेबा के आकृति बनबैत छनि। सामा चकेबा साँझ धरि सुखलाक बाद अइ के विभिन्न प्रकारक रंग सँ लीप पोत करैत रंगी चंगी बनाओल जाइत अछि। रंगी चंगी आकृति राति के समय में लाल रंग के बाँसक डाला में रह कर दिया संगे गाँव के प्रत्येक चौक चौराहा दुबटिया चारबटिया सार्वजनिक धर्मशाला मंदिर आ छठ घाट में समेत ल जाकर 10 दिन धरि गीत नाच करैत चेली बेटी सब सामा खेल मैथिल परम्परा रहल अछि। दीदी बहिन सब गाम गाबा वाला सामा गीत में अपन भाई भैया सबके शौर्य बखान आ दीर्घायु के कामना करैत छनि। परसा के बीरगंज महानगर पालिका 8 घंटा घर से स्रोत नहीं खुजल नगद 20 लाख रुपया सहित एक गोटे पकड़ायल। पकड़ायल में 12 के विश्रामपुर गांव पालिका 5 नकटुआ रहनिहार 31 वर्षक चंदन कुमार शाह रहल प्रहरी जानकारी दिलन। घंटा घर से आदर्श नगर दिस जा रहल ना 48 पर 7691 नंबर के मोटरसाइकिल के जिला प्रहरी कार्यालय परसा से खटल प्रहरी जाँच के क्रम में मोटरसाइकिल चालक शाह उक्त रकम सहित पकड़ायल छल। ओ ऊपर बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी एन 2073 विरुद्ध के कसूर में अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा जानकारी देलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव अखन के संविधान संशोधन नहीं भेलनि त जनता दोसर संविधान बनाब चेतावनी देने छनि। पार्टी रूपंदेही के धक धकई में केने कार्यक्रम में ओ संघीयता विरोधी संविधान बनाओल गया से संविधान के संशोधन अपरिहार्य रहल जिकिर कलन। कांग्रेस आ कम्युनिस्ट मिलकर बनेने संविधान त्रुटिपूर्ण है। यादव कहलन अइ के संशोधन कर ही टा पड़त अन्यथा जनता दोसर संविधान बनात। 7 प्रदेश के नक्शांकन आ नामांकन के अव्यवहारिक आ अवैज्ञानिक रहल जिक्र करैत यादव उच्च स्तरीय राज्य पुनः संरचना आयोग के प्रतिवेदन अनुसार 10 प्रदेश उचित भेल जिक्र कलन। 5-7 गोटे मंत्री बनकर झंडा वाला गाड़ी चढ़कर मात्र नहीं हैत। यादव कहलन प्रदेश स्वायत्त आ अधिकार सम्पन्न बनावटा पड़त। जनसंख्या के आधार में हरेक वर्ग आ समुदाय के राज्य के निकाय में समानुपातिक प्रतिनिधित्व आ सब हुनकर कहब अछि। पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल यादव अखन के निर्वाचन प्रणाली अत्यंत महंग आ गलत भेला से पूर्ण समानुपातिक प्रणाली होबटा पड़त हुनकर कहब अछि। अध्यक्ष यादव अखन के सांसदीय प्रणाली सेहो असफलता दिस गेल ओ दावी कलन। सांसद खरीद बिक्री भ रहल अछि, ई दोष नेता सब बेसी प्रणाली के रहल हुनकर कहब छल।
प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र शमशेर जबरा के पक्ष में प्रदर्शन केनिहार सबके प्रहरी नियंत्रण में लेने है। न्यायपालिका बचाव कई रहल संगे नाराबाजी करत आयल नेपाल बार परिसर में प्रवेश कर चाहने किछ व्यक्ति के प्रहरी नियंत्रण में लेने चल। तारा बराह लगात के व्यक्ति सब न्यायालय बचाव कहत नेपाल बार प्रवेश कर चाहने छन। वो सब प्रधान न्यायाधीश के पक्ष में नारा लगौने छन। वकील नहीं भेला सब बार प्रवेश कर लागल प्रदर्शनकारी सबके प्रहरी रोकने छन। अटेर कलाक बाद वो सब के वत से नियंत्रण में लग बाहर निकालल गेल छल। प्रधान सेनापति प्रभु राम शर्मा औपचारिक भ्रमण के सिलसिला में मंगल दिन भारत प्रस्थान केने छन। भारत के स्थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवेने के औपचारिक निमंत्रण में ओ 9 सदस्यीय भ्रमण दल के साथ दिल्ली दिश प्रस्थान केने छन। नेपाली सेना के मध्य एयर बेस गौचर में हुनका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की विदाई केने छलेन। भारत प्रस्थान पूर्व प्रधान सेनापति शर्मा के सोम दिन जंगी अड्डा में सम्मान गरत अर्पण कैल गेल छल। तो उक्त औपचारिक विदाई कार्यक्रम में नेपाल के लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा आ अन्य सैनिक सह चारि सबके सेहो उपस्थिति देखल गेल छल। प्रधान सेनापति के नियुक्ति पश्चात शर्मा के ई पहिल विदेश भ्रमण रहल अछि। एहि भ्रमण के दौरान में प्रधान सेनापति शर्मा के कार्तिक 24 गते भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदस भारतीय स्थल सेना के मनार्थी महारथी दर्जा के दर्ज यानी चिन्ह से सुशोभन कर कार्यक्रम रहल अछि। प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र शमशेर जबरा मंगल दिन बंदी प्रत्यक्षीकरण बाहे के अन्य मुद्दा सेहो राखिकऽ पेशी तोकने छन। ऐसे पहिने असंतुष्ट न्यायाधीश सब संग भेल छलफल के आधार में जबरा बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट मात्र पेशी में रखने छलन। मंगल दिन के लिए तोकल गेल पेशी में ओ अन्य मुद्दा समेत पेशी में चढ़ौने छन। तो अपना लेल समेत एकल इजलास में पेशी तोकने छन। प्रधान न्यायाधीश जबरा अपन एकल इजलास में मानव बेच विखिन तथा ओसार पसार जबरदस्ती करनी लागू औसत कर्तव्य जान वैदेशिक रोजगार कसूर सवारी जान लगात के मुद्दा रखने छन। मंगल दिन के पेशी में 10 इजलास गठन के ने प्रधान न्यायाधीश जबरा अपने एकल इजलास रखने छन। अन्य न्यायाधीश सबके ओ संयुक्त इजलास में पेशी तोकने छन। त मंगल दिन के पेशी में प्रधान न्यायाधीश दय दीपक कुमार कार्की आ नहकुल सुवेदी मीरा खड़का तैना कुमार रेग्मी हरिकृष्ण कार्की सुषमलता माथेमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ डाक्टर कुमार चुडाल डाक्टर आनंद मोहन भट्टराय अहिना डाक्टर मनोज कुमार शर्मा डाक्टर आनंद मोहन भट्टराय आ प्रकाश कुमार ढुंगाना अनिल कुमार सिन्हा अहिना प्रकाश मान सिंह राउत सपना प्रधान मल्ल बम कुमार श्रेष्ठ तेज बहादुर केसी आ मनोज कुमार शर्मा तथा प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र शमशेर जबरा के एकल इजलास तोकल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतरराष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के भोपाल में रहल एकटा बाल अस्पताल में आग लगी भेला से 4 गोटे धियापुता के जड़ के मृत्यु भेल अछि। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के एकटा अस्पताल में आग लगी भेल अछि। अस्पताल में 40 गोटे धियापुता मध्य 36 गोटे सुरक्षित रहल भारतीय समाचार माध्यम जानकारी देने छन। ओतः सरकार मृत्यु भेल परिवार के 4-4 लाख रुपया के राहत देव घोषणा केने छन। घटना के अनुसंधान कर सेहो निर्देशन देल गेल खबर में उल्लेख रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांग छी। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।